हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 20 प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस देखेंगे आंसर के साथ ये पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर वाइवा में पूछे जाते हैं शुरू करते हैं वॉट इज मैग्नेटिक फ्लक्स द क्वेश्चन इज वॉट इज मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इमेजनरी लाइन ऑफ फोर्सेज जो मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है वो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन उसी को हम इमेजनरी लाइन्स को ही मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है जिसको शॉर्ट में एम एम एफ भी कहते हैं हम आंसर मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेट्सअप्स मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट ये मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को सेटअप करता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स सोर्स के जैसा काम करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने के लिए यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का सोर्स हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिल्स इज क्या होता है आंसर इज इज द अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की उसी को हम रिलक्टेंस बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को वैसे ही रिलक्टेंस अपोज करता है फ्लक्स को मैग्नेटिक सर्किट में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस फेरेडेज लॉ क्या होती है आंसर इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर में लिंक होती है तो वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई जनरेट होता है कंडक्टर में यही होती है फेरेडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है यह भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है थ्योरी और वायवा में आंसर इज ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ट्रांसफार्मर को लेके क्वेश्चन थ्योरी में भी और वाइवा में सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है नाउ एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है आंसर देखते हैं ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वेन ए सी सप्लाई गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड ऑल्टरनेटिंग फ्लग से इन द कोर ई एम एफ आर इंड्यूस्ड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग फाइनली करेंट विल फ्लो इन द सेकेंडरी वाइंडिंग दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सिंपल है इतना ही लिखना है इसमें पूरी बात आ गई है ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप्स आर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर सिंगल फेस एंड थ्री फेस ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अलग अलग कैटेगरी में है ये डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन हो गया कोर टाइप शेल टाइप नंबर ऑफ फेसेस के कैटेगरी में सिंगल फेस और थ्री फेस वर्किंग में ये हो जाएगा पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में लॉसेस के प्रकार क्या हैं सो आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस दो प्रकार होते हैं लॉसेस के एक तो आयरन लॉस जिसको हम कोर लॉस भी कहते हैं दूसरा कॉपर लॉस लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोर लॉस एंड कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ कोर लॉस इज मिनिमाइज कोर लॉस को कम कैसे किया जाता है या आयरन लॉस को कम कैसे किया जाता है कोर लॉस इज मिनिमाइज बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर एंड लेमिनेटेड कोर देखिए सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज करेंगे उससे हमारा एडी एडिक्रेंट सॉरी हिस्टेसस लॉस कम होगा और लेमिनेटेड कोर को यूज करने से एडी एडिक्रेंट लॉस कम होगा तो एडी एडिक्रेंट और हिस्टेटस दोनों मिला के कोर लॉस बनाते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कॉपर लॉस इज मिनिमाइज कॉपर लॉस कैसे कम कर सकते हैं इसका आंसर है कॉपर लॉस इज मिनिमाइज यूजिंग गुड क्वालिटी कंडक्टर मटेरियल कॉपर लॉस को गुड क्वालिटी कंडक्टर मटेरियल यूज करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीसी मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल वायवा के पॉइंट ऑफ व्यू से द पार्ट्स आर योक पोल कोर पोल शू फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर शाफ्ट एंड बियरिंग्स यही मेन पार्ट है डीसी मशीन का डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी आ जाता है और डीसी मोटर भी आ जाता है दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं डीसी मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मशीन्स कम्यूटेटर का काम क्या होता है इन डी सी जनरेटर कम्यूटेटर कन्वर्ट्स ए सी इंटू डी सी एंड इन डी सी मोटर इट कन्वर्ट्स डी सी इंटू ए सी जनरेटर में ये ए सी को डीसी कन्वर्ट करेगा और मोटर में ये डी सी को ए सी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डीसी मशीन का कम्यूटेटर नाउ नेम द टाइप्स ऑफ डी सी जनरेटर्स डी सी जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं कितने टाइप्स होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जो जनरेटर एक टाइप हो गया नेक्स्ट इज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इसके फर्दर टाइप हो गए सीरीज जनरेटर शन जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर ये तीनों ही सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के टाइप हैं और सेपरेटली एक्साइटेड अलग हो गया नाउ नेम द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स डीसी मोटर के कितने प्रकार होते हैं आंसर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड के भी टाइप्स हैं सीरीज मोटर शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर ये तीनों ही सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के टाइप्स हैं नाउ व्हाई ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ट्रांसफार्मर आंसर इज ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू कैलकुलेट आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर आयरन लॉस या कोर लॉस हम डिटरमाइन करते हैं हम इससे फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट से नाउ वाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में आंसर इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म टू कैलकुलेट कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके कॉपर लॉस निकाले जाते हैं ट्रांसफार्मर में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाइंडिंग इज कैप्ट ओपन इन ओपन सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को ओपन किया जाता है आंसर इज एचवी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज कैप्ट ओपन इन ओपन सर्किट टेस्ट एंड टेस्ट इज परफॉर्म एट एल वी साइड लो वोल्टेज साइड पे टेस्ट परफॉर्म होगा और हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन करेंगे नेक्स्ट विच वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट आंसर इज एल वी वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड एंड टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट एच वी साइड इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइंडिंग सॉरी हाई वोल्टेज साइड पर हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे क्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशियंसी मैक्सिम एफिशियंस आयरन लॉसिज इज इक्वल टू कॉपर लॉस इट शुड बी इक्वल ओके आयरन लॉस जो है वो कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए तब ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशियंसी हमको मिलेगी आयरन लॉस को ही कोर लॉस कहते हैं मैंने आपको बताया सो कोर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस नाउ वॉट इज ऑटो ट्रांसफार्मर द क्वेश्चन इज वॉट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर आंसर इज ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है उसी का कुछ पार्ट हम प्राइमरी पे ले लेते हैं और कुछ पार्ट हम सेकेंडरी पे ले लेते हैं सो दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू